चाराए फैसल पर वाके नस्ला टावर की जमीन की गैरकानूनी अलॉटमेंट के केस में अबूरी जमानत मंसूख होने पर साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA मंजूर कादर काका और साबिक मुख्तार कार को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंसूर कादर और साबिक मुख्तार कार खैर मोहम्मद डहारी की अबूरी जमानत में तौसीक की दरख्वास्त पर समाअत स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट में हुई। अदालत ने मुलजिम साबिक डीजी SBCA मंजूर कादर काका और साबिक मुख्तार गैर मोहम्मद की अबूरी जमानत मंसूख कर दी। एंटी करप्शन कोर्ट ने नस्ला टावर आराजी केस में दोनों मुलजमान की अबूरी जमानत मंसूख करते हुए इन्हें हिरासत में लेने का हुक्म, जिसके बाद एंटी करप्शन ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर दिया। सरकारी वकील का कहना है कि दोनों मुलजमान पर नस्ला टावर की जमीन 700 गज से बढ़ाकर 11 गज करने का इल्ज़ाम है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की गैरकानूनी तामीर का नोटिस लेकर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था।